Hello everyone, this is Jassi, Faculty of English. Welcome once again to our channel Goodluck Institute, a station of English language, hashtag English for success. Today we are going to learn advanced use of has, have, had and will have. But before that, don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for more English video updates. Let's begin with the first one, use of has and have. Has and have are used in present when anything belongs to you or you possess any item or a person individual. Example के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पर. पहले तो मैं आपको बता दूँ कि I, we, you, they and plural subject के साथ हमारा have लगेगा. Example है हमारे पास I have YouTube channel. Negative I don't have YouTube channel. Interrogative do I have YouTube channel. Interrogative plus negative don't I have YouTube channel. The next we have you. Of has हमारा इस्तेमाल किया जाता है subject he she it any name and singular. हमारे पास example है affirmative sentence है he has English videos. Negative he doesn't have English videos. Interrogative does he have English videos. Interrogative plus negative doesn't he have English videos. एक चीज आप यहाँ पे गौर करिएगा कि मैंने यहाँ पर negative, interrogative और interrogative plus negative sentence के अंदर does का इस्तेमाल किया है और does के साथ हमेशा आपका have लगाया है क्योंकि has और does ऐसे helping verb हैं जो हमारे third person के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन एक समय पर मैं इन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता इसीलिए जहाँ भी मैंने does का इस्तेमाल किया वहाँ मेरा have आ गया. Use of had. Had हमारा past होता है has और have का. हमारे पास had के भी example है. Affirmative sentence है हमारा you had many friends. इसका negative हमने बनाया you didn't have many friends. अब यहाँ मैंने did not लगाने के बाद have का इस्तेमाल किया. Had हमारा have बन गया क्योंकि did already हमारा एक second form है. तो did के बाद हमेशा first form आती है. Interrogative में हमने लगाया यहाँ पे did you have many friends. Interrogative plus negative है हमारा. Didn't you have many friends? अब हम move last use है हमारे पास will have का. Will have हमारा future होता है has और have का. हमारे पास इसका भी एक example है आइए देखते हैं. पहला एग्जांपल है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जॉन विल हैव सम इंग्लिश बुक. नेगेटिव हमने इसका बनाया जॉन वॉन्ट हैव एनी इंग्लिश बुक. वॉन्ट हमारा विल नॉट का शॉर्ट बन गया. इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ बनता है इंटरोगेटिव विल जॉन हैव एनी इंग्लिश बुक. इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हमारा बनता है वॉन्ट जॉन हैव एनी इंग्लिश बुक. अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर कीजिएगा आप कि जब मैंने पहले यहाँ पे सेंटेंस बनाया तो मैंने यहाँ पे सम वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है इंग्लिश बुक से पहले लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर मैंने एनी का इस्तेमाल कर दिया. उससे ये होता है नेगेटिव सेंटेंस में हमारे कि जॉन के पास कोई इंग्लिश किताब नहीं होगी. इंटरोगेटिव में हो गया हमारा क्या जॉन के पास कोई इंग्लिश किताब होगी. इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हमारा आया क्या जॉन के पास कोई इंग्लिश किताब नहीं होगी. तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू इंग्लिश वीडियो अपडेट्स. थैंक यू सो मच वंस अगेन.